इंदौर के परमहंस में शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया गया। यहां जय मां वैष्णवी गरबा मंडल के नेतृत्व में नवरात्रि के 9 दिन कई धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वहीं विजयादशमी की शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसका हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया है। वैसे तो देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में हर त्योहार को शहरवासी उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, फिर शक्ति की भक्ति के महापर्व की बात हो तो क्या ही कहना। जी हां, इंदौर में भी गुजरात की तर्ज पर विशाल पंडालों के साथ कॉलोनियों में नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा एरोड्रम क्षेत्र के परमहंस नगर में देखने को मिला, जहां श्री विश्वेश्वर मंदिर में जय मां वैष्णवी गरबा मंडल के द्वारा भव्य आयोजन किया है। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल में माता की मूर्ति विराजित की गई और नवरात्रि के पूरे 9 दिन बालिकाओं ने गरबा आराधना करने के साथ ही अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। नवरात्रि के अंतिम दिन माता की महाआरती की गई, जिसमें परमहंस नगर रहवासियों के साथ बड़ी संख्या में आसपास के श्रद्धालु शामिल हुए। जय मां वैष्णवी गरबा मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि परमहंस नगर में पिछले 30 साल से अधिक समय से नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता रहा है, जिसमें 9 दिन कई धार्मिक आयोजन होने के साथ ही शहरवासियों के सहयोग से अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें परमहंस नगर सहित आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोग महाप्रसादे का लाभ उठाते हैं। जय मां वैष्णवी गरबा मंडल से परमहंस नगर की करीब 300 बालिकाएं जुड़ी है, जो नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य सहित अन्य प्रतियोगिता में भाग लेती है और अंतिम दिन उन्हें उपहार भेंट कर सम्मानित किया जाता है। गरबे की आयोजन गरबा का आयोजन होता है, जो सुबह रात को 9 बजे से प्रारंभ होता है और रात को 1 बजे तक वो आयोजन पूरा चलता है। उसमें बच्चों के बालिकाओं के डांस भी रहते हैं, जो माता जी के गाने के स्वरूप को लेकर चलती हैं, तथा अपन देखा जाए तो बोलते हैं ना, भगवती का स्वरूप ऐसा है कि सारे विगत नाटकों के स्वरूप को उसमें सम्मिलित करते हैं हम, जिसमें माँ जगदम्बा के अनेक अनेक अलग अलग रूपों को धारण करके बालिका हमारा वो नाटक अपना नाटक वितरित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सबको। और तथा 300 से ज़्यादा बालिकाएं इस मंडल में जुड़ी हुई हैं, जो हर घर से प्रति व्यक्ति के अनुसार उनको गिफ्ट भी बांटे जाते हैं, पुरस्कार वितरित भी किया जाता है। आपका शुभ नाम और संस्था का नाम? जय मां वैष्णवी गरबा मंडल एवं श्री विश्वेश्वर परमहंस जनकल्याण समिति, और मेरा नाम विवेक वर्किया, मंडी समिति का एक छोटा कार्यकर्ता। जी भाई साहब, कब से आयोजन किया है जरा महापति का यहाँ पे, किस तरह का अंतिम दिन विशाल भंडारा होता है? हमारे वरिष्ठ श्री गोपाल जी आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि काफ़ी समय से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं परमहंस नगर के अंदर। बताएंगे, 1997 में आया था, उसके पहले से प्रोग्राम हो रहा है जी, और 97 से मैं लगातार अभी भी इसमें शामिल हूँ, और बाकायदा भंडारा हमेशा होता आया है, होता रहता है, माँ की कृपा बनी रही। सारी हमारी पूरी मोहल्ला समिति टीम है, मंदिर समिति है, पूरे हमारे गरबा मंडल पूरा कन्याएं सब मिलकर, मतलब
नौ दिन नौ तरह के प्रोग्राम अलग अलग प्रोग्राम करती है, कभी नाटक भी होते हैं, काली का नाटक होता है, कहीं भैरू जी का नाटक, इस प्रकार से कन्याएं और सब टीम मिलके आयोजित करती प्रोग्राम। और भंडारे का जो हमारा भव्य विशाल भंडारा ऐसा है कि पूरे क्षेत्र में हमारे मोहल्ले जैसा भंडारा कहीं नहीं होता परमन नगर, मतलब पुराना माना गया है, ये लोग बहुत पहले से करते आए हैं भंडारे को, रोज लगातार वर्षों से चलते आ रहा है। इसमें किस का सहयोग मिलता है आपको क्षेत्र में? सहयोग सभी का रहता है, सभी का सहयोग, सभी का सहयोग, पूरी कॉलोनी का और बाहर वालों का भी रहता है, कुछ सहयोग बाहर से भी लेते हैं, कुछ हमारे दानदाता बड़े दानदाता है वो भी देते हैं, लोग हैं वो भी, और प्रत्येक घर से हमको सहयोग मिलता है, गृहवासी संघ से सहयोग मिलता है, सभी से सहयोग मिलता है। 300 से ज्यादा बालिका जी। दादा क्या आयोजन कब से होता आ रहा है संस्था? कृष्णदेव मंडल है, 2300 साल है, विश्वेश्वर महादेव समिति है, और 9 दिन की आराधना होती है, 10वें दिन भंडारा होता है। जी जी, कितनी बालिकाएं शामिल होती है 9 दिन में, क्या क्या आयोजन होते हैं? भंडारे में तो 250 जाती है, 100 से 150 के अंदर बालिकाएं गरबाएं करती है। क्या संस्था का नाम क्या अपनी? माँ वैष्णो देवी गरबा मंडल, परमहंस नगर, इंदौर।